place of what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. मिलता है हमें ये गी स्टोव बटरफ्लाई का, और यहाँ पे हमें ये कि इसकी यूएम गाइड देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 बटन 1 3 बटन का यहाँ पे इमेज लगाई गई है, साथ में 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। इन दोनों थर्माकोल को बैठा देते हैं, तो ये 2 बर्नर वाला गी स्टोव है। तो ये हमारा छोटा वाला बर्नर इसके देखने को मिलता है, और ये बड़ा वाला बर्नर। तो दोनों ही बर्नर सेम ही क्वालिटी के हैं, और सेम ही मटेरियल यूज़ किए गए हैं, और सेम ही कलर हैं दोनों बर्नर का। और इस बर्नर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 डॉट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा, अगर कोई बर्तन वगैरह रखते हैं तो डायरेक्टली उस पर टच ना हो, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पे 3 स्टैंड बना दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि टच तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर स्टैंड में काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही में यहाँ पे हमें एक बटरफ्लाई की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ये हमारा फर्स्ट वाला स्विच, स्विच की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर इसको मेंशन किया है ऑफ, साथ ही में ऑन, और साथ ही में डिम सिम आप उसको कर सकते हैं। और ये दूसरा वाला स्विच है, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है, सेम क्वालिटी के इसमें भी, इसमें भी सारी चीज़ें मेंशन की है। उसके ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे थकिन ग्लास का यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और साइड से कुछ सब कुछ तरीके पर देखने को मिलता है। ये और इसके ऊपर जो 2 स्टैंड लगाए गए हैं, जो कि ऐसे तरह निकल जाता है, और स्टैंड देखिए स्टैंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और स्टैंड को साथ में यहाँ पर लगाने के लिए यहाँ पे उसके 2 हुक दिए गए हैं, एक यहाँ पे और दूसरा हुक है यहाँ पे। इसके स्टोव के ऊपर भी यहाँ पे 2 हुक दिए गए हैं, जिसको आप सिंपली से मैच करके उसके अंदर उसके लगा देंगे तो ये हिलेगा डुलेगा भी नहीं, और सेम चीज़ इसमें भी वैसा ही है। और फिनिशिंग देखेंगे तो इसकी गेस्ट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी करी गई है, और उसका ग्लास है काफ़ी टफ ग्लास देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है, और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अगर उसकी क्वालिटी की बात हो तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी ज़्यादा टफ है, मजबूत भी देखने को मिलता है, मोटा ग्लास के अंदर पर रखा गया है। और ओवरऑल देखेंगे तो नीचे का जो पूरा है वो पूरा स्टील है, प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक से खाली ये बटन है वो प्लास्टिक को देखने को मिलती है। और चल मैं आपको बैक साइड से इसको दिखा देता हूँ कि फिर कैसे देखने को मिलता है, वो बैक साइड से कुछ इस तरीके पे देखने को मिल रहा होगा। और इसकी बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्लास के पीछे की साइड में यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग करी गई है इस ग्लास के ऊपर, जो काफी ज्यादा सही लग रहा है कि हर चीज अच्छे तरीके से फिट करी गई, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे देखते हैं इसकी ग्रिप जहाँ से फ्लो होगी, रॉड भी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग भी सही अच्छे तरीके से करी गई, तो पीछे पे कुछ इस तरीके पे देखने को मिलता है। तो आप लोग गेस्ट स्टोव देख लिया किस तरीके से देखने को मिलता है, ये बटरफ्लाई का गेस्ट स्टोव काफ़ी बेहतरीन है। और आप लोग अगर परचेस करना हो तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहाँ पर जाके इस गेस्ट स्टोव को परचेस कर सकते हैं। तो